क्या कहेंगे अपने सरकार से? मैं आग्रह करूंगा कि किसान, भारत देश का किसान शांति प्रिय तरीके से अपनी जायज़ मांग के लिए संवैधानिक दायरे में देश की राजधानी के में पहुंचा है, सरकार को के दरवाजे पे दस्तखत दिए, इनकी बात सुनी जाए, तुरंत बातचीत करके समाधान निकाला जाए। ये 3 तारीख क्या है? 3 तारीख क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि कृषि मंत्री का 3 तारीख तक का क्या शेड्यूल है? क्यों बिजी हैं 3 तारीख तक? किसान के लिए तुरंत बातचीत करके रास्ता निकालें, MSP के कानून को लागू किया जाए, MSP का प्रावधान दिया जाए, बिना MSP के निजी खरीद का जो ये 3 कानून है, इससे किसान का भविष्य सुरक्षित नहीं रह सकता। काफ़ी हज़ारों की तादाद में यहाँ किसान पंजाब से चल के आए हैं, खाने पीने का सामान वो लेकर आए। ये क्षेत्र है, मैंने ये जो हमारे पूरी भादुरगढ़ के भादुरगढ़ वासी हैं उन सब से मैंने यही कहा है कि पूरा जितना भी जितनी मदद साथ समर्थन किसानों को दिया जा सकता है, मदद साथ समर्थन दिया जाए। नगर पालिका भादुरगढ़ की हमारी जो चेयरपर्सन है शीला राठी जी, संदीप राठी जी उनके सुपुत्र हैं, उनको मैंने कहा, क्योंकि ये सारे किसान सारा इंतजाम अपनी तरफ से खुद लेके आए हैं, लगभग इनको पानी की ज़रूरत है, जो है शौचालय की ज़रूरत है, तो नहाने के लिए पानी की ज़रूरत है। तो मैंने कहा है कि अपने सबके भादुरगढ़ में, मैं भादुरगढ़ वासियों से कहना चाहता हूँ कि अपने घरों को खोलने का काम करें। ये हमारे सारे भाई हैं, हमारे बड़े प्रदेश से आए हैं, हरियाणा पंजाब एक है, बहुत से किसान पंजाब से आए हैं, वो हमारा बड़ा भाई प्रदेश है, तो उनको ऐसा लगे कि उनके घर में हैं। तो नगर पालिका में मैंने दिशा निर्देश सबको दिए हैं, नगर पालिका वालों को, कि शौचालय का पानी का इंतजाम कराए का यहाँ पर किया जाए, ताकि और भी कोई जैसी भी कोई व्यवस्था हो उसके लिए पूरी व्यवस्था रखी जाए। मैं आखिर में सरकार से कहना चाहता हूँ, ये 3 तारीख तक का जो अल्टीमेटम सरकार दे रही है ये सही नहीं है, तुरंत सरकार बातचीत करे और समाधान निकाले, MSP का प्रावधान दे, जो है इसका इन तीन काले कानूनों को नहीं तो वापस ले, नहीं तो इनमें कानून पर MSP का प्रावधान दे और अविलंब इस बातचीत को किया जाए। किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, कई जगह आंसू गैस के गोले चले गए, आप ये आंसू गैस के गोलों से कैसे रोकोगे किसानों को? जिन किसानों के आंखों में आंसू हैं उनको आंसू गैस के गोलों से रोकोगे? दिल्ली में स्टेडियमों को आप जो है जेल में तो बदल रहे हैं, बदलने की बात कह के किसान को रोकने की बात करें। इस देश में कोई ऐसी जेल नहीं बनी जो देश के किसान को, जिसमें रोका जा सके। ये सरकार किसान की आवाज़ को कुचलने की कोशिश ना करे, सरकार किसान की आवाज़ कुचली नहीं जा सकती। तो आप यहाँ किसानों को समर्थन देने आए हैं, उनकी बात जानने? किसान को समर्थन देने आए हैं, ये गैर राजनीतिक ये लड़ाई है, इसमें कोई राजनीतिक दृष्टि से ना देखा जाए, इसमें एक किसान के नाते में आया हूँ यहाँ, इस इलाके में के एक नागरिक होने के नाते आए, अपनी जिम्मेदारी निभाने हम यहाँ पे आए हैं और हम किसानों का साथ है, समर्थन है, और जो भी हमारे लायक होगा हम करेंगे। ये इनका अपना, ये किसान भाई जो पंजाब के आखिरी गांव से भी आए हैं, ये भादुरगढ़, ये धरती, ये झज्जर, ये उनका अपना घर लगे, उनका अपना जो है ऐसी उनको ऐसा लगना चाहिए। ये मेरा पूरा हरियाणा वासियों से अपील है कि भाई किसानों को लगे उनका अपना घर है।